चुप हो जा पुत्र, छेड़ा ना कल भी खा रहा यूरी सड़क पर आ जाओ। अरे दम सारे नूंगा बाद जगह आ दे बेचारे मुंह पिट जगे देखिए फिर फोड़ागा। अरे नू भी देख ले यार, और किसी का मैं लगा नहीं और थम गए लाइक जी गोड़ बताता ही। ओए पागल हो रे के अरे बुझाए करा बिड़ाई नहीं करते प्रदीप के नाम से।
गलत तो बहुत ज्यादा गलत गलत है। मान लो यार इतना देख है सारा पहने मतलब उसके साजिश हो रहा है। साजिश तो है ही नहीं कि फिर ये समझे तो कौन है ये उड़ा गए एकदम समझे तो कौन है ललकारा दिया तो वो साजिश में था साजिश में ललकारा दे रहेगा भाई ना ललकारा देगा नु मेरा तेरे घर में 15 आदमी भी है तो 15 आदमी चार आदमी ललकारा दे देंगे समझे। नवाब सिंह क्या कुछ मामला हुआ आजबारी गांव में? मामला जी यहाँ था हमें मैं तो सत्संग में था जी और सत्संग सुना का नहीं है कि मेरे घर वाली यार हमें जब उठे मैं पता लग गया हमें भागे भागे आगे तो यहाँ के यहाँ इसका धंधा जी इसके पास 2.5 किले हैं टोटल। ठीक है जी, किसके पास 2.5 किले? या जेठू के पास, जेठू के पास। और इसके इसने आज 3-4 करोड़ की जायदाद बनाई है लोगों लूट कर, किसी का भूत किसी का प्रेत किसी के कहा बच्चे का हो जाएंगे किसी का कहेगा कुछ। अच्छा कल हुई थी कि निशानदेही जी उसमें मेरी जमीन लिख रहे आई। आपकी जमीन निकले आई मेरा लिए लिख रहे। ठीक है जी, हमें क्या भाई कोई बात नहीं लिख रही और समय छोड़ दियो और उसके बाद ये मेरे का नहीं लिख रहा तो ले लो और जे थारे का नहीं लिख रहा तो दे दो बात कोई झगड़ा नहीं रहेगा। वो बोले 10 फुट थारा फर्क है मैं 10 फुट दे देंगा जहाँ थानू पहला दे रखी है अज के दे दें। और ये झगड़ा पता क्या जी आप पैसे का झगड़ा 1,82,00,000 जी हाईवे में जमीन है वो मेरी है। ठीक है, हाईवे वाली जमीन जो है वो मेरी है। अच्छा। ही मेरे पर प्रेशर बना रहे हैं कि किसी तरह तो समझौता कर पैसे मैं उन्होंने दवा। ठीक है जी। अच्छा केस चल रहा है जी SDM साहब ना तहसील में ही हार गए SDM का हार गए अगे कमिश्नर के ला दी। अच्छा फिर जज के ला दी इन्हें ना हमें नहीं कोई लाई। ठीक है जी। हूँ दसो मन तो हमें जाइए हमें 4 सिर्फ 4। ठीक है जी। और ये 15-20 है 20। ठीक है जी। और दसो हमें जाइए तो जाइए के ना तो मैं तो जगह बिखे ना हो करे मेरी तो सारी जिंदगी तो फौज में खराब हो गई और जमीन खरीदी हुई पर भी इन्होंने दावा कर लिया मैं खरीदी थी 87 में। 87 में आपने जमीन खरीदी? हाँ जी, वो जमीन के बोले पैसे मानू दे। अच्छा, वो पैसे पीछे ही सारे झगड़े खड़ा और यहाँ सारा इसके तो आप कदे जाओ भी मैं मिलूंगा SP साहब उन्होंने भाई इसका कदे आप छापा मारो किसी ने तो कहेगा तेरा छोरा कर देगा दसा कह देगा देखो और भाई जो तेरे भाई के और तेरे भतीजे के उन्होंने तो होंगे तो लोगों के छोरे कितने कर रहे हैं तेन भी क्या लगते हैं नाते में? नाते में या तो मारा भाई हो सो ना भतीजा भतीजा हाँ और इसका हराम का खाना किसी के पंजाब वाली 2000 से शुरू कराया तो गया पूछा दे दी 2000 रुपया तो खर्च होगा जी फिर 2-3 बार से फिर कहेगा 5000 दो इस तरह करके आप 3 करोड़ की जायदाद तो उसकी चेक करा दो। अब क्या मांगे जी? हूँ मेरी तो मांग मैं तो फैसला चाहिए मेरा छोरे छोरा बच जाए। अब मेरी मांग यह कि यह इन्हों का पूरा इन्वेस्टिगेशन कराओ इंटेलिजेंस जांच ब्यूरो से कि पैसे किस तरह कमा रहे हैं। ठीक है, मैं तो आपसे यही कहूँगा आप पता कर लो पूरे गांव में। अच्छा जेड़े आज उठे थे ना आप भी सुन लो साहब जेड़े उठे थे वो सत्संगी हैं और सारा गांव झूठ बोल देगा वो आदमी झूठ नहीं बोल सकते। ठीक है जी। वो सब दस देंगे कि किस तरह की कहानी हो आप जाकर पूछ लियो सत्संग में जाकर कहते सच्ची दसो किसकी गलती है। कितनी जमीन का रोड़ा है? कितनी जमीन बड़ी आपकी? मेरी जमीन जी 3 किले तो 3 किले ला लो 1,82,00,000 की है। यही सोचा भी प्रेशर दे के भैया राजीनामा कर ले मैं पैसे दवा दे बस यार रौला हो रहा इसी पिछले मार पटाई पहले या छोड़े का पहले भी मार दी थी जो हमें क्या राज मैं 2 बारी पंचायत करी जिला अध्यक्ष खुद अमरपाल है आप जानते हो वो भी आए उसकी भी इन्होंने बेइज्जती कर दी थी 2 बारी मैं पंचायत कर ली भाई अपना पीछा छोड़ो क्यों इन्हें खाओ खा लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा कि इन्होंने तो हराम का अपनी जमीन बेची जावा 7 किले बेच के अब मेरी मेरे कन्नी हो जावा या जी मेरा तो या एक या जी आप इस पर कह दो चैनल कि किसी तरह इसके घर की पूरी इंक्वायरी कराओ वीरवार और एतवार। ठीक है जी। हाँ ये किस किस के भूत प्रेत कटा कुछ तो करे अपने भाई के तो लड़का कर नहीं सकता उसके अपने प्रशासन से अब आपकी क्या मांग है? मेरी मांग प्रशासन से यह
भाई इसका एक तो या जो आदिया पता क्या हुआ, आदिया पूछ प्रेत के चक्कर में इन्हें अपने गुंडे बुला लिए, कह दिया भाई मैं तो पूछा दे मा था। ठीक है जी। अच्छा इससे पहले एक और होया, हमें उठा वो करन लग गए जी, जीरी बरसान लगे, परसों चौथे की बात है, जीरी नहीं बरसान दी, अरे वही हाईवे की जमीन है तेरा उसमें किया, चल मैं कह रहा क्यों इसने लड़ूंगा आप वैसा कुछ। सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनके घर का रास्ता बंद हो रहा है। हाँ रास्ता बंद हो रहा है, जमीन इनकी निकल गई। हाँ तरसेम सिंह जी, क्या मामला हुआ आज दोनों पार्टियों में? थोड़ा पारिवारिक पानी पे खाली पे झगड़ा हो रहा था, कल पंचायत हुई थी, कंप्यूटराइज मिनती हुई थी, बिल्कुल खत्म हो गई थी, पंचायत फैसला करवा गई थी भाई हम यहाँ से पाइपलाइन दाब लो, हम यहाँ से अपनी पाइपलाइन दाब लेंगे, तो मीणा तोली करके सरिये ईंट कट गई थी, सवेरिया मुआ ईंटों पे तागा लगा के अपनी नाली निकाल रहे थे। ठीक है जी। इतने इनने आके हमला कर दिया, इनने बाहर के बंदे बुला रखे थे। अच्छा। उनकी वीडियो है हमारे पास, वो आप पे आरोप लगा रहे हैं इन्होंने बाहर के बुला? नहीं जी, हमारे पास उनकी वीडियो है। ठीक है जी। जो बंदे बाहर के आए हैं वो बाहर के बंदे ने चोट मारी है। आपके कितने बंदों के घायल हुए? 5 हैं जी। और उनके? उनका नहीं मालूम पता जी। अच्छा जी, देखो उनका कोई तो अपने आप चोट मारी है जिन्होंने। क्या मांग है? है जी क्या मांग है? मांग मारी तो कोई नहीं, नहीं न्याय तो मांग रहे होंगे? न्याय तो हम अपने आप लेंगे। प्रशासन से क्या मांग? प्रशासन से तो बस ये फॉर्मेलिटी पूरी हो करवावेंगे हम, मेरा न्याय तो हम राजपूत हम भी अपने आप लेंगे न्याय तो। नहीं न्याय इनने गलत काम करे पहले इनने करिए जी की कार्रवाई करो, पर प्रशासन की भी हाथ जोड़ के करेंगे भी थोड़ी सी टिक जाएंगे कार्रवाई करते, मैं भी सियाणा आदमी हूँ भी क्या ना लड़े नहीं बच्चे अगे सारे सर्विस मैन हमारे तकरीबन इनका बच्चा कोई सर्विस पे नहीं, हमारे सारे सरकारी जॉबों पे है, ठीक है जी, अफसर भी हैं, MBBS डॉक्टर भी हैं, ठीक है जी, कोई रोडवेज में कोई हॉस्पिटल में सारे, इस वजह से वो हो रहा काम, ये इनका कोई भी बच्चा जॉब नहीं है थप्पे थे ये बता बात तेने झगड़ा करा, कल बिल्कुल क्लियर साफ हो गई थी पंचायत पे, सिर्फ खाल पानी के खाल को लेकर के झगड़ा हुआ। हाँ और कोई झगड़ा? कोई झगड़ा नहीं हुआ, निमट गया था जी, पंचायत ही पंचायती है, एक राधे श्याम जी है मास्टर पोपड़े का, एक सतवीर है जी जो पंचायत का फैसला नबेड़ का है, एक सतीश है गाँव का, एक लंबड़दार है जो मौके पर मौके पे जो नवेड़ का है जी, उनके साइन हो रहे भाई काम नहीं मिट गया, कान को तस्वीर कान को टाइम पे था, ठीक है जी, सारा काम नवेड़ का है भाई, इन्हें झगड़ा नहीं करना, ठीक है, हमने सब इसी करके रिश्तेदार नहीं बुलाया गाँव के यार गुमांड के बंदे बना के भाई राम दे मिट जाए बच्चों का झगड़ा नहीं हो, ठीक है जी, ये पहले भी झगड़ा करे हमारे गलो 3-4 फिर हमारे बच्चे सर्विस पे हम डरा भाई क्या ना किसी बच्चे का झगड़ा हो गया तो बच्चे की सर्विस जानती रहे जी, ठीक है, इस बात से डरते डरते हम तो बोलते नहीं, आज हमारे घर में बढ़ के आके हमारे चोट मार गई, हमारे घर पे आके हमला करे इन्हें। आपके घर पर हमला हुआ? हाँ जी घर पर हमला हुआ, जेठू राम के घर पर हमला हुआ जी। वो अब जो है झगड़े को ना बढ़ाए, हम तो ये रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रशासन के हिसाब से। हाँ जी प्रशासन के हिसाब से मेडिकल लग रहे करवा रेफर कर दिए करनाल के लिए, ठीक है धन्यवाद। हाँ करनाल के लिए रेफर कर दिए जी, हम तो ये कह रहे हैं भी जो बाहर के बंदे बुलाए हैं उनको हमारा को पता है भी ये बंदे बाहर के बुलाए हैं, ठीक है, रडाने से खेड़ी से सरपली थे, ठीक है उनकी भी। हाँ तो जो बंदे हो तो जी फिर गांव का आपको पता है जो वहाँ बंदे हैं नहीं वो गांव के हैं जी सारे, फिर तो लड़ाई झगड़ा सुन के आस पास के सारे आ जाए जी, माने तो पता ही नहीं था जी, माने जब पता होता झगड़ा होता तो हम झगड़ा होने नहीं देवा थे, ठीक है, इसके चाचा ने सवेरी कह दिया था भाई मारे बच्चे मारे कहने से बाहर, इसका चाचा है शिशपाल, उसने मारे से सवेरी बोलिया मीणा तोली सी कर रहे थे माँ भाई यू सीध होगी हम उन्हें को काट ले, बोले काट लो राम थे, पर मारे बच्चे मारे कहने से बाहर हो गए, शिशपाल लड़के का चाचा है सहल का, उसने बात कही है, बोले भाई मारे कहने से बाहर हो रहे शायद झगड़ा हो जाए, इसके चाचे की बात है सवेरे की यही पार्टी से इनका चाचा बोलता है। हाँ भाई शायद मारे बच्चे झगड़ा कर देंगे, आप सिर्फ खाली निकाल रहे थे? हाँ जी नहीं मीणे ताका ला के सीध कर रहे थे भी, यहाँ सीध आ गई कंप्यूटर से सरिया कट दिया नहीं उससे सीधा ताका बंदा पड़े भी वही आके हमारे पास हमला कर दिया, हम भी नहीं थप्पा भी बसना रसना एक जगह रहना सगे चाचे ताऊ आपस में, बिल्कुल जी। आपके नाते में क्या लगते हैं? ये मेरे सगे चाचे के लड़के हैं, घर की घर में झगड़ा? हाँ घर की घर में झगड़ा है।
ये बच्चे लोफर हैं, पहले उन्होंने मोबाइल की दुकान पाड़ी एक, यहाँ उस वीडियो में जेल काट का एक कट्टा पिस्तौल पकड़े गए ना, अच्छा उसमें भी जेल काट का ये ठीक है जी, पिस्तौल पकड़ा गया था ये आई जवान तो पे आते फिर ओ नहीं, गुरुद्वारा मार्केट में मरंडा बनिया, हाँ हाँ हाँ, मरंडे वाली दुकान हाँ, में वो दुकान फटी थी, हमने कवरेज किया था उसको, हाँ तो ये उसमें ये जेड़ काट का है, फंस गए थे, पकड़े गए थे, मान गए थे ये बदमाश हैं जी, हम तो शरीफ बंदे हैं। ठीक है जेठूराम जी, हम तो यही चाहेंगे प्रशासन के हिसाब से चले और कोई भी ऐसा गलत फैसला ना ले, ना जी गलत फैसला नहीं लेंगे, धन्यवाद। मामला सामने आया सर इनका, ये दो पार्टियों का आपसी जमीनी विवाद था जी, गांव बारी में, जिस पर डायल 112 पर कॉल की गई थी, डायल 112 ने कॉल को सुनकर तुरंत मौके पर पहुंची, वहां पर जो झगड़े में इंजर्ड आदमी थे उनको प्राथमिक उपचार के लिए जीएच असंध में लेके आए हैं, उपचार के बाद ही पता चलेगा जी किसको कितनी चोटें, बाकी परिस्थिति पर मौके पर एसएचओ साहब भी मौजूद हैं, काबू में है। मेरा नाम अजय कुमार है। हाँ जी बताइए क्या किया। और ये जो है मेरे ससुर जी हैं जी, इनके ऊपर जो है ना नजायज प्रेशर बनाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि इनकी तो जमीन गई है रोड में जी, और उस जमीन के पैसे मांगते हैं वो लोग, और उस पैसे के लिए इन्होंने राजीनामा नहीं करा, राजीनामा ना करने की वजह से जो है वो इनके ऊपर जो है साइकोलॉजिकल प्रेशर बना रहे हैं, जिससे कि ये किसी तरीके से प्रेशर में आए और हमारे को बिना जमीन गाय पैसे मिल जाए। आज जो लड़ाई जो सिर फोड़ा गया ना वो इसी वजह से फोड़ा गया, कल परसों इनकी जो है ना निशानदेही हुई थी, निशानदेही में जो है ना जमीन इनकी निकल गई, रास्ता उन्होंने बंद कर दिया, हालांकि फर्ज इनका था, ये कह सकते थे भी रास्ता हमारा बंद कर हम करेंगे, लेकिन उन्होंने रास्ता बंद करा और जो है आज जो है सर फोड़ दिया उसका, और वो तो जो है ना उनकी प्लानिंग यही है, अब भाई इनको जो है ना प्रेशर लो और मारो और मार करके प्रेशर में लेकर के इनसे पैसे। अब आपकी क्या मांग है जी? हमारी मांग यही है इन बुजुर्गवार को न्याय मिल जाए, किसी भी तरीके से मिल जाए।